students, my name is Iti and you're all welcome to Living with Chemistry once again. Student, this video lecture we will learn how to draw bond line structure of organic compounds. It is very important to learn. ये सीखना बहुत जरूरी है कि किसी भी organic compound का bond line structure किस तरह से लिखेंगे. Because आपकी higher classes में और mostly हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आपको स्ट्रक्चर्स दी जाती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स दी जाती हैं. सो अगर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखनी नहीं आती है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो. सो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे. आज हम सीखेंगे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को किस तरह से ड्रॉ करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आपको याद रखने हैं व्हाइल ड्राइंग द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है. राइट द चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन अ ज़िगज़ैग फॉर्मेट. पहला पॉइंट क्या है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना है उसमें जितने कार्बन एटम्स की चेन है उसको हमने ज़िगज़ैग फॉर्मेट में लिख देना है. ज़िगज़ैग फॉर्मेट किस तरह का होता है? दिस इज अ ज़िगज़ैग फॉर्मेट. ठीक है, इस zigzag फॉर्मेट में जो टर्मिनल पोजीशंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. एज वेल एज इसमें जो स्पाइक्स और डिप्स हैं, स्पाइक मीन जो चीज ऊपर को निकली हुई है, तो देखो इसमें एक स्पाइक नजर आ रही है और डिप्स कितने हैं जो नीचे को दबा हुआ है, डिप्स कितने हैं? दो हैं. तो ये स्पाइक्स और डिप्स भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इन ऑल अगर हम देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, क्यों? बिकॉज ये टर्मिनल पोजीशंस भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये स्पाइक्स और डिप्स भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इट मींस अगर मैं मान लूं कि ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये एक पेंटेन है. ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं. द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन आर नॉट शोन. जैसे कि आप यहां देख रहे हो, अगर हम इसे पेंटेन मान रहे हैं, 5 कार्बन है इसलिए, तो इसके साथ हाइड्रोजन्स भी बॉन्डेड हैं. कितने हाइड्रोजन होंगे? 12 हाइड्रोजन होंगे. बट उन हाइड्रोजन्स को हमने शो नहीं करना है वाइल राइटिंग द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन्स देखें तो 3 हाइड्रोजन यहाँ होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ. पर जब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं. वी हैव नो नीड टू मेंशन, वी हैव नो नीड टू राइट दोज हाइड्रोजन एटम्स इन दिस ज़िगज़ैग फॉर्मेट. इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन एटम्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कार्बन एटम्स हैं और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, बॉन्डेड हैं, उनको हम शो नहीं करेंगे. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स टू बी रिटर्न. मींस कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड है वो हमें शो करनी है ज़िगज़ैग फॉर्मेट में. लाइक देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों कार्बन एटम्स हैं और इनके बीच की बॉन्ड को हमने शो किया है ज़िगज़ैग फॉर्मेट में. ठीक है, व्हाइल राइटिंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला. मान लीजिए यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ये हमें क्या शो करेगा कि यहाँ पे एक कार्बन अटैच्ड है और ऑब्वियसली कार्बन की वैलेंसी 4 है तो साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे. तो कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड को हमने शो करना है व्हाइल राइटिंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं. द हिट्रो एटम्स एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू देम टू बी रिटन. अब सबसे पहले हिट्रो एटम्स की बात करते हैं. हिट्रो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन आर नोन एज हिट्रो एटम्स. इनको क्या बोला जाता है? हिट्रो एटम्स बोला जाता है. तो वो बोल रहे हैं कि अगर ज़िगज़ैग फॉर्मेट में अगर कोई हिट्रो एटम प्रेजेंट है या जिस कंपाउंड का आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें कोई हिट्रो एटम प्रेजेंट है तो उस हिट्रो एटम को भी हम शो करेंगे और अगर उस हिट्रो एटम के साथ कुछ हाइड्रोजन बॉन्डेड्स हैं तो उन हाइड्रोजन को भी हम शो करेंगे. मान लीजिए यहाँ पे NH2 लगा होता तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लगाऊंगी और नाइट्रोजन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच हैं उनको भी शो करूंगी. ठीक है, मान लो OH लगा होता, मान लो यहाँ पे OH लगा है तो ऑक्सीजन और उसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, उसे हम शो करेंगे. जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि हमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उनको शो नहीं करना है, बट इन केस ऑफ हिट्रो एटम्स अगर उनके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो उसे हमने ज़िगज़ैग फॉर्मेट में व्हाइल राइटिंग द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर शो करना है. अभी मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस करती हूँ सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखने किस तरह से. लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स. बहुत इजी एग्जांपल से स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं.
देखिए सबसे पहले पेंटेन दिया हुआ है, ठीक है। तो पेंटेन से हमें वर्ड रूट पता चल गया कि पेंट है, और पेंट से पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स हैं। तो इन 5 कार्बन एटम्स को हमने क्या करना है, जिगजैग फॉर्मेट में लिख लेना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप नंबरिंग कर लो, सो दैट आपकी मिस्टेक ना हो। 1, 2, 3, 4, 5 दैट्स इट। ये किसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, पेंटेन का। आप किसी भी तरह से जिगजैग फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो या ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। दोनों ही इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब वर्ड रूट क्या है, प्रोप है, मींस 3 कार्बन है। तो जिगजैग फॉर्मेट में कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन आएंगे, 1, 2, 3 दैट्स इट। ये कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। अब देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, कौन सी पोजीशन पे हैं, सेकंड पोजीशन पे, 2,2 डाइमिथाइल। अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3 तीन कार्बन, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगे हैं, दो मिथाइल ग्रुप, 1 एंड 2 1 एंड 2। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट इज 1-bromo-3-methyl-pentane। अगेन सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे कि वर्ड रूट में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो जिगजैग फॉर्मेट में हम 5 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग कर लेते हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ब्रोमो लगा है। तो लो यहाँ पे हम एक ब्रोमीन अटैच कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे। एंड थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। थर्ड पोजीशन कौन सी है, दिस वन द थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ 1-bromo-3-methyl-pentane। दो तीन एग्जाम्पल मैं आपके साथ और डिस्कस कर देती हूँ सो दैट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्यूटेन 2-ON। ONE लगा है मींस कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा है। एंड ब्यूट हमें क्या बता रहा है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। तो क्या करेंगे, 4 एटम्स को 1, 2, 3, 4 जिगजैग फॉर्मेट में लिख लेंगे, हाइड्रोजन्स को हमने शो नहीं करना है, ठीक है। और क्या है, सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक सी डबल बॉन्ड ओ। यही था हमारा फोर्थ पॉइंट कि अगर कोई हिट्रो एटम प्रेजेंट है तो उसको हम शो करेंगे, और अगर उस हिट्रो एटम के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसको भी शो करेंगे। यहाँ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो हमने शो नहीं किया है, बट अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता तो OH को हम शो करते, मेंशन करते। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन 2-ON, ठीक है। नेक्स्ट इज एक डबल बॉन्ड की एग्जांपल मैं करवा देती हूँ आपको, hex-3-ene। हेक्स मीन कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः कार्बन है, गिन लिया करो। और कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगी है, 3-ene, थर्ड कार्बन के साथ लगी है। सो 1, 2, 3 दिस इज द थर्ड कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर hex-3-ene। नेक्स्ट देखते हैं इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल है, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। एसिटिलीन गैस होती है, इथाइन भी गैस होती है। तो अभी क्या, अभी दो ही कार्बन है तो इनको हम डायरेक्टली अटैच कर देंगे। इस केस में हम जिगजैग फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो कार्बन को जिगजैग फॉर्मेट में हम लिख ही नहीं सकते। अगर चलो मैं जिगजैग भी बना दूं तो यही बनेगा बस, 1 एंड 2, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे स्ट्रेट लाइन में लिख लो, बात तो वही है ना। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन है, दो ही कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगी, पोजिशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे या यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन और एसिटिलीन, ठीक है। इन दोनों में से, ये दोनों ही ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स, हमने टोटल 7 एग्जाम्पल्स करी हैं।
आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किस तरह से लिखनी है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। उसके लिए आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको रूट वर्ड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी तो आप कार्बन एटम्स की चेन को जिगजैग फॉर्मेट में लिख पाओगे। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, कौन सी पोजिशन पर लगा है, आपने नंबरिंग कैसे करनी है, सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आई होप आपको आती होंगी। ठीक है, नहीं भी आती हैं तो मैं IUPAC नॉर्मल क्लेचर सारा का सारा डिस्कस कर चुकी हूँ, रूल्स एंड बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी मैंने करवाई थी, आप वो वीडियोस देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।